दिल्ली रोड TBS। ये हमसे कमीशन मांगते हैं, मैनेजर लेकर आए इसकी सिक्योरिटी। युवक ने एजेंसी वालों से परेशान होकर अपनी स्कूटी की आग के हवाले। नमस्कार, मैं कृति धीर और आप देख रहे हैं हापुड़ हलचल। जनपद हापुड़ के नगर कोतवाली क्षेत्र के दिल्ली रोड पर स्थित TVS शोरूम पर स्कूटी का एक उपभोक्ता कंपनी के शोरूम पर कार्यरत मैनेजर एवं कर्मचारियों से इस कदर आहत हो गया कि उनसे परेशान होकर उसने अपनी स्कूटी को ही आग के हवाले कर दिया। दरअसल बताया जा रहा है कि उपभोक्ता का आरोप है कि इंश्योरेंस होने के बावजूद भी उसकी स्कूटी की सर्विस नहीं की गई। युवक ने कर्मचारियों पर सर्विस करने के नाम पर 10,000 रुपये और इंश्योरेंस के नाम पर 2,000 की जगह 3,000 रुपये मांगे जाने का भी आरोप लगाया है। स्कूटी में आग लगने की सूचना पर मौके पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ी ने स्कूटी में लगी आग को नियंत्रित किया। हमारे संवाददाता से बात करते हुए पीड़ित उपभोक्ता ने बताया कि वह लगातार शोरूम के चक्कर काट रहा था, परंतु यहां उसकी कोई सुनने वाला नहीं था। आज भी जब वह सुबह 10 बजे से शोरूम पर बैठा है, परंतु उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। जब शोरूम पर कार्यरत एक कर्मचारी द्वारा उससे 10,000 रुपये की मांग की गई तो उसने उसकी मांग को पूरा नहीं किया, तो कर्मचारी के कहने पर उसने अपनी स्कूटी को आग के हवाले कर दिया। आइए बताते हैं कि युवक का इस मुद्दे पर और क्या कहना। किस तरह चुकी है इन्होंने, ये हाल क्यों रखा मेरे साथ? तो आग किसने लगाई है? आग मैंने लगाई है, मुझसे लगवाई गई है। 10,000 रुपये मांग रहा था उनने लगवाई है मुझसे आग। और पीछे जो क्लेम करते हैं उन्होंने पहले 3,000 रुपये मांगे थे, मैंने इंश्योरेंस नहीं कराया उनसे, 3,000 रुपये उन्हें दूंगा मैं, 2,200 का इंश्योरेंस हो रहा है इनका। धन्यवाद। ऐसी और खबरों के लिए जुड़े रहिए हापुड़ हलचल के साथ।